एवरीवन, मैं हूं वदन और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो देखो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, रीजंस क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो देखो जो इस वीडियो का मेन मोटिव यही है सिर्फ बनाने का, क्योंकि मुझे आपको पर्टर्बेशन थ्योरी करवानी है नेक्स्ट वीडियो में, जो इसे नेक्स्ट आएगी मुझे पर्टर्बेशन थ्योरी करवानी है। और पर्टर्बेशन थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं आपके, जो नए कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे वो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अगर आप एग्जाम के लिए पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ के जा रहे हो और उसमें सपोज करो 6 से 7 कॉन्सेप्ट है, पर्टर्बेशन में ही 6 से 7 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सपोज करो अगर आप उसमें से 2 या 3 कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो, बाकी कॉन्सेप्ट को आपका नॉलेज ही नहीं, आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो हमें नहीं पता ना एग्जाम में कौन सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो आपको नहीं पता तो उससे क्या हो जाएगा, आपके ही चांसेस हो जाते हैं कि क्या पता हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो। आप पर्टर्बेशन पढ़ के भी जा रहे हो फिर भी आपके जो 50-50 चांसेस हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हो, पर्टर्बेशन पढ़ के जा रहे हो, तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में वो सारे पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग से बनाई है वीडियो, उससे क्या है आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए कि क्या कुछ कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे इसमें, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आराम से सीख जाएंगे। मैं आपको सिखा दूंगी और आपको भी दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पर्टर्बेशन की उसमें हम अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी रीजंस। देखो प्रोबेबिलिटी रीजंस क्या होते हैं, हम 1D बॉक्स की बात करते हैं सबसे पहले। देखो आपका 1D बॉक्स आपने देखा होगा, जो मैंने जिस स्टूडेंट ने मेरी वीडियो नहीं देखे 1D बॉक्स की तो वो देख लेना जाके, ठीक है। तो देखो 1D बॉक्स को आपको पता है 1D बॉक्स हमारा होता है इस टाइप का, ठीक है। ये होता है हमारा 1D बॉक्स। तो 1D बॉक्स में अगर मैं इसकी विड्थ लेके चलूँ तो हमारी इसकी विड्थ रही x = 0 से x = n, ठीक है। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो हमारी ग्राउंड स्टेट में एक भी नोड नहीं होती है, ठीक है। एक्स अगर n, ये क्या है हमारा n = 1 से स्टार्ट होता है, अगर हमारा n = 1 से ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर n = 1 लेते हैं तो इसमें क्या होती है हमारी 0 नोड, क्या होगी हमारी 0 नोड। तो n = 1 हमारा इस यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें 0 नोड आएगी तो ये आएगा इस टाइप से, क्लियर है, इस टाइप से आएगा। अगर देखो ये हमारा 1D बॉक्स है, इस अगर इसको मैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड करूँ तो आप कैसे डिवाइड करोगे इसको, तो इक्वल हाफ्स में इस टाइप से डिवाइड करोगे कि 50% इधर आ गया, 50% आपका इधर आ गया, ठीक है। 50% इधर और 50% आपका इधर, ये क्या है आपका 0 से एल है इसकी विड्थ। अगर मैं इसकी हाफ ले लूँ तो कितना हो जाएगा ये हम L/2। इतनी बात क्लियर है, ये तो ईजी था। देखो अगर इसी को मैं 1D बॉक्स को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 4 पार्ट में, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रीजंस है, जी हाँ 50% इधर आ रहा है 50% इधर आ रहा है, ये तो बहुत इजी था क्योंकि मैंने इस जो 1D बॉक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 50% इसकी प्रोबेबिलिटी इधर चली गई और 50% प्रोबेबिलिटी इधर आ गई, ठीक है। अगर हमारे जो एग्जामिनर होते हैं उसको क्या करते हैं जो 1D बॉक्स होते हैं उसको हमें क्या करते हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करके दे देते हैं, ठीक है। वो बोल देते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड करो, 5 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं कि मैं 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, उसके बाद देखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी रीजंस है वो क्या क्या बनेंगे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो उसके प्रोबेबिलिटी रीजंस है वो हमारे क्या क्या बनेंगे, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको मैंने क्या किया 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया था, यहाँ पे इसका हाफ आ रहा है L/2 ले लिया इसका हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 50% इधर बन गया, 50% इधर बन गया। अगर इसको ही मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो किस टाइप से होगा, तो देखो अगर इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये क्या होगा यहाँ पे x = 0, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया आपका L/4, ठीक है। यहाँ पे L/4, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2L/4, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा 3L/4 और यहाँ पे क्या आएगा आपका 4L/4, ठीक है। ये x = L कैसे आया आपका इस टाइप से आया, इसको मैंने क्या डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। देखो यहाँ पे 2 और 4 कट रहे हैं तो यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसलिए इसको मैं इजी से लिख सकती हूँ L/2, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ L/2 और इसको मैं नहीं काट सकती 3L/4 और 4 को 4 से काट सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा L, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, देखो ये हो गया हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी रीजन देखते हैं कि अलग अलग जो हमारा रीजन डिवाइड हुए हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, देखो जो हमारा ये वाला पार्ट है 0 से L/4, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है आपको याद रखनी है कितनी होती है 9%, कितनी होती है इसकी प्रोबेबिलिटी 9%। और जो हमारा ये रीजन है 3L/4 से L, क्योंकि ये वाला रीजन जो है ये वाला रीजन है वो इक्वल है दोनों, ठीक है। तो ये जो रीजन होगा इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी आपकी 9%, क्लियर है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 9% और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 9%। अब L/4 से L/2 की बात करूँ या L/2 से 3L/2 की बात करूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है आपका इक्वल है, ये
इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 41%। ठीक है, कितनी होगी 41%, इसकी भी कितनी होगी 41%। ठीक है, ये रखना आपको याद, ये 9% आपकी, ये वाली 9% है, ये 41% है, ये आपकी कितनी परसेंट है, 41% है। क्लियर है, इसको मैंने किया आपको 4 पार्ट में डिवाइड। क्लियर है, अब हम डिवाइड करते हैं इसको। ऐसे ही हमने क्या लिया, 1D बॉक्स लिया, इसको क्या किया हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फिर तो हम 1D बॉक्स लेंगे, उसको हम क्या डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसके देखेंगे उसके प्रोबेबिलिटी रीजन क्या क्या बनेंगे हमारे। ठीक है, एग्जामिनर हमें कुछ भी दे हो तो क्या हो जाता है, हमारे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। या तो प्रोबेबिलिटी रीजन से आ रहे हैं क्वेश्चन, वहां से भी इजिली सॉल्व हो जाएंगे आपके। जो एक्सपेक्टेशन वाली एवरेज वैल्यू से आ रहे हैं क्वेश्चन, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो हम 1D बॉक्स केस में भी बात कर लेते हैं। तो देखो कैसे बनेगा ये, n इज इक्वल टू 1 पे ही बात करते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 पे भी आपकी क्या होगी, 0 नोड होगी। तो 0 नोड का आपका ये वाला ग्राफ बनेगा, तो इसकी जो विड्थ होगी आपकी x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 12 मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैंने क्या डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, एक तो 12/3 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और दूसरा जो आएगा मेरा ये वाला बनेगा 12/3। ठीक है, और 3L/3। क्लियर है, 3L/3 आ गया यहाँ पे। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। जब 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल होगा तो आपका क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 0, 12/3, 12/3। ठीक है, तो आप ये जो प्रोबेबिलिटी रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये कितना बनेगा आपका 19.5%, और ये कितना बनेगा आपका 19.5%। ठीक है, 19.5% ये जो प्रोबेबिलिटी रीजन बनेगा, ये कितना बनेगा 19.5%, ये वाला रीजन बनेगा, और ये जो रीजन बनेगा आपका 61%। ये वाला 12/3 से 12/3 है, ये इतना रीजन बनेगा आपका 61% बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका 19.5%, ये बनेगा आपका रीजन 19.5%। क्लियर है, एग्जामिनर आपको हमेशा लिख के देंगे, तो कि आपको जो आपका जो ये 1D बॉक्स आपको किसमें डिवाइड करना, कितने हिस्से में आपको डिवाइड करना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको कैसे आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इस तो आपको ये प्रोबेबिलिटी रीजन लेने हैं। अगर इसमें डिवाइड करें तो आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी रीजन लेनी है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पर्टर्बेशन में सिखाऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो ये टोटल परसेंट कितना हो गया, 41%। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ 12/4 से 3L/4 की, तो ये 41 कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो गया, 82% हो गया। अगर देखो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे नहीं देंगे वो, ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं मिलते कि 82% या 9%, आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं मिलते हैं। आपको ऑप्शन में कैसे मिलेंगे वो मैं आपको निकालना सिखाती हूँ, कैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके बिहाफ पे। तो देखो अगर 82% का आपको ऑप्शन किस टाइप से मिल सकता है, तो वो देखते हैं। तो देखो आपको मिलेगा 1/2। ठीक है, कि मैं क्या करूँ कि मेरा 82% बन जाए, कि मैं किसको 1/2 में किसको ऐड करूँ कि मेरा 82% बन जाए, तो मैंने ऐड किया 1/5 को। ठीक है, मैंने ऐड किया 1/5 को। जब इसका हम करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, तो 0.5 आएगा। तो उसके परसेंट निकालेंगे तो कितनी बनेगी हमारी, 50%। ठीक है, ये कितना बन गया आपका 50%। ठीक है, 50% ये बन गया। जब इसको देखो, जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका टोटल कितना बनेगा, इसको डिवाइड करके 31.5%। ठीक है, नियर अबाउट इतना बनेगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो लगभग आपका बनेगा 81.5%। तो इसको हम लिख सकते हैं 82%। ठीक है, तो आपका जो आपका ऑप्शन होंगे ना, तो वो ऑप्शन आपको इस टाइप में होंगे। ठीक है, इस टाइप में होंगे आपके ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन इस तरीके से नहीं याद रखना, तो इसको आपको मोल्ड करके भी आ सकता है कि 82% को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है वहां पे, 82% को मैं किस टाइप से लिखूं, क्योंकि मैंने निकालना सिखा दिया ये। ठीक है, तो आप खुद ऐड करके देखोगे उसको। जैसे आपको ये वाला ऑप्शन आ गया, तो इसमें क्या करोगे, इसकी परसेंट निकालोगे, इसको डिवाइड करके इसकी परसेंट निकालोगे, दोनों को ऐड करके देखोगे 82% बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है वहां पे, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है आपको। ठीक है, अगर मैं 9% वाला भी निकाल के सिखा देती हूँ निकालना, देखो 9% अगर आपका आ जाए तो आपके तो आपको किस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1/4 - 1/2π, ये मिलेगा आपको ऑप्शन। देखो 1/4 कितना होता है आपका, जब इसको डिवाइड करेंगे उसकी परसेंट निकालेंगे तो आपका बनेगा 25%। ठीक है, 1/2π आपका कितना बनेगा, 16%। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो 9% बनेगा। क्लियर है, तभी मैं बोल रही हूँ, जो भी आप अगर आपके ऑप्शंस आ जाते हैं और आपका आंसर 82% आ रहा, 9% आ रहा, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि आपको जो ऑप्शंस आपको उसमें से ही बना के देखना पड़ेगा कि 1/4 का जब मैं डिवाइड करूँ क्या आएगा, उसका परसेंट निकालू तो क्या आएगा, उसमें से माइनस कर दू,
ऑप्शंस तो दे ही रखे हैं, ठीक है, बस आपको डिवाइड वगैरह देख करके देखना है और परसेंट निकाल के उसको माइनस करना है, फिर आपका जो ऑप्शन होंगे वो आपके मैच कर जाएंगे इसमें, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन क्लियर टिक हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके आते हैं पर्टर्बेशन में, ठीक है, पर्टर्बेशन में आपके इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो आपको उसमें अप्लाई करना सिखाऊंगी, क्लियर है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे एन इज इक्वल टू टू पे। देखो हमने बात की है एन इज इक्वल टू वन पे और n is equals to 1 पे, ये भी हमने is equals to 1 और n is equals to 1, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब हम बात करेंगे n is equal to 2 पे, जिसकी आपकी नोड होगी 1, ठीक है, उस पे हम बात करेंगे और उस पे देखेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी रीजंस क्या क्या, हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो उसकी प्रोबेबिलिटी रीजन है कैसे उसके डिवाइड होगी वो सब हम सारा देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे n is equals to 2 पे, ठीक है, अभी हमने क्या बात की थी n is equals to 1 पे और 1 की बॉक्स को हमने डिवाइड किया था 4 इक्वल पार्ट में, एक मैंने डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स में। अब हम लेते हैं n is equal to 2 पे, फिर देखते हैं हम जो उसकी प्रोबेबिलिटी रीजंस कितनी कैसे डिवाइड होंगे वो सारा देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये हमने लिया 1 की बॉक्स, इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो n is equals to 2 पे है, ठीक है, तो इसकी नोड कितनी होगी आपकी 1, तो इसकी नोड 1 होगी, तो ये क्या आपका n is equal to 2 पे मैंने यहां पे सपोज कर लिया और इसकी नोड मैंने ले ली 1, ठीक है, ये आपके नोड आ गए। अब देखो इसको मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। जब इसको डिवाइड किया मैंने, तो देखो वैसे ही डिवाइड आपके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 1 डी बॉक्स, तो आपके जो इक्वल पार्ट्स बनेंगे वो तो वही बनेंगे एल बाई टू, यहाँ पे बनेगा एल बाई फोर, यहाँ पे बनेगा 3L/4, यहाँ पे बनेगा और 4L/4 यहाँ पे बनेगा, तो एल ही आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो जो आपका ये वाला है इस पे आएगा, जो ये वाला रीजन आता है इसकी प्रोबेबिलिटी रीजन आता है 25%, इसका कितना आता है 25%, इसका कितना आता है 25%, इसका कितना आता है आपका 25%, ठीक है। जब इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया n is equal to 2 पे, तो ये इसके आती है प्रोबेबिलिटी रीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी रीजन है वो सारे मेरे खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू की और एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, जो आपकी पर्टर्बेशन में यूज होगा, जो कॉन्सेप्ट आपका एवरेज वैल्यू का और एक्सपेक्टेशन वैल्यू का वो वहाँ पे यूज होता है। और देखो जो आपके एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं आपको एक निकालना सिखा दूंगी, लेकिन आपको टेबल बनवा दूंगी, आपको उसको कॉपी पे लिखना है और उसको याद करना है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा वो, ठीक है। मैंने भी बुक्स बहुत सारी स्टडी की है, उसके बाद मैंने आप लिखा है खुद ने भी, ठीक है, वही मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही, जो भी आप कंसेप्ट यहाँ पे लिख रहे हो पर्टर्बेशन का अलग से लिख लेना, और इसमें जो वैल्यू से यहाँ पे लिखूंगी मैं, ठीक है, उसमें अलग से लिख लेना और उसको याद कर लेना, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पर्टर्बेशन की उसमें हम अप्लाई करना सीखेंगे वो, ठीक है। तो इससे वो वीडियो आने से पहले उसको अच्छे से याद कर लेना पहले से, क्लियर है। एक वैल्यू निकालना सिखाऊंगी, लेकिन आपको सारी वैल्यूज निकालना नहीं सीखनी है, क्यों, क्योंकि देखो जो आपके अगर आपके पर्टर्बेशन के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो वैसे ही हमारी टाइम लिमिट होती है वहाँ पे, ठीक है, अगर आप निकालने बैठ गए तो आपका पर्टर्बेशन का जो क्वेश्चन है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए बोल रही हूँ सिर्फ याद कीजिए, क्योंकि क्वांटम में बहुत चीजें होती हैं ऐसे याद करने वाली, तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसको, और कोई भी आपके पास नहीं है तो एक आपको निकालना सिखा दूंगी, बाकी आपको याद करना है वो लिखवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद जो मुझे आपको लिखवाना है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है, टेबल में। तो देखो जो इसका फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, वो आपको इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा साई स्टार एक्स साई डी टाउ अपॉन साई स्टार साई डी टाउ, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर देखो जो आपका साई फंक्शन है, साई क्या है आपका एक फंक्शन है, अगर ये फंक्शन आपका नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है, यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं, इफ ये साई इज नॉर्मलाइज्ड, अगर साई आपका नॉर्मलाइज्ड हो गया तो आपका जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका साइज साई स्टार साई डी टाउ, वो क्या हो जाएगा आपका 1 के इक्वल, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने नॉर्मलाइज्ड की वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो में, तो वो आप देख लेना, ठीक है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो पार्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा रखे हैं विद एग्जांपल, क्योंकि वो पार्ट इंपॉर्टेंट है तो देखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो देखो नॉर्मलाइज्ड हो गया, नॉर्मलाइज्ड की वैल्यू आपकी जो वैल्यू होती है आपकी 1 होगी, अगर ये 1 वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल आगे नॉर्मलाइज्ड हो गया आपका साई का फंक्शन, तो 1 हो जाएगा, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, सिर्फ इसके इक्वल, ठीक है, साई स्टार एक्स साई डी टाउ, सिर्फ आपको ये सिर्फ आपको फाइंड करना है, अगर आपका नीचे वाली वैल्यू नॉर्मलाइज हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद 1 आ जाएगी, तो सिर्फ आपको
कैलकुलेट करना है। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं आता तो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, दोनों को क्या कर दोगे डिवाइड, उसके बाद वो क्या आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखो ये इसको करना, साई आपको कोई फंक्शन होगा, साई आपको कोई फंक्शन होगा, उसको एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, आप खुद से देखिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको याद कर लो, ठीक है। सिंपल आपको वैल्यूज दिखाती हूँ, याद कर लेना, एक निकालना सिखा दूंगी आपको, ठीक है। तो आपको निकालना नहीं, सिर्फ आपको याद करना है, टेबल में जो आपको लिखाऊंगी अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन कर लेना उसको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैं वैल्यूज आपको लिखवाने वाली हूँ वो सिर्फ किसके लिए है, 1D बॉक्स के लिए, ठीक है, जिसकी आपकी लिमिट होगी 0 to L, ठीक है। और किस पे बात करेंगे हम, ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए, इसी के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगी, सिर्फ 1D बॉक्स के लिए। तो देखो आपका जो वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स थी, ठीक है, वो कितनी होगी, L/2, क्लियर है। और अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूं x2, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी आपकी L²/3 माइनस L²/2π² L², ठीक है। ये स्क्वेयर है आपका 2π² L², क्लियर है। अगर इसकी मैं मोमेंटम की बात करूँ px की, तो वैल्यू होती है आपकी 0, क्लियर है। अगर इसकी बात करूँ मैं px² की, अगर इसका स्केयरिंग कर दूँ मैं, ठीक है, अगर इसकी स्केयरिंग कर दूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 2mEn, ठीक है, 2mEn। तो देखो आपका जो 1D बॉक्स होता है उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैं निकालना सिखा रही हूँ, L²/H² / 8mL², ठीक है। तो आपकी वाली वैल्यू होती है, क्लियर है, L²/H² / 8mL². जब यहाँ पे आप पुट करोगे 2m×N²/H² / 8mL², ठीक है, यहाँ पे मैं निकालना सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी आपकी, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे लिख लेना ये वाला स्टेप, एम से एम कैंसिल हो गया, ये वाला 4 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी टोटल, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ गई यहाँ पे आ गई N²/H² / 4L², ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 4L², ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको याद करना है px² को। अगर देखो हम काइनेटिक एनर्जी जो लेते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है, उसको हम डिनोट करते हैं tx से, ठीक है, tx से हम डिनोट करते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है px² / 2n, इसको क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, उसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2n से, ठीक है, 1/2n से। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2n से, तो कितना हो जाएगा 4L² × 1/2n, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8mL², ठीक है। तो यहाँ पे सीधा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे कितना आएगा 8mL². तो देखो जो मैं पार्ट यहाँ पे रब कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके रब कर रही हूँ, सीधा लिख रही हूँ, तो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बाद में आप बोल जाओगे कैसे आया है, तो मैं आपको निकालना सिखा दिया, और अपनी कॉपी पे साइड पे लिख लेना, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई N²/H² / 8mL², ठीक है, ये एल है आपका, समझ में आ गया। उसके बाद जो पोटेंशियल होती है आपकी Vx, वो कितनी होगी, 0। तो सिर्फ आपको ये वैल्यू, ये जो वैल्यूज है, ये सिर्फ लर्न करनी है, बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा, 2 से 3 बार करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एक मैं इसमें निकालना सिखा देती हूँ, बाकी आपको याद करना है, ये वाली हम निकालना सीखेंगे L/2, ठीक है, बाकी आपको याद करना है, ये याद तो ये भी करना है, लेकिन एक निकालना सिखा देती हूँ आया कैसे L/2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात की थी 1D बॉक्स के लिए, ठीक है, 1D बॉक्स के लिए हमने बात की थी, जिसकी लिमिट हमारी थी 0 to L, इसकी लिमिट थी, ठीक है। तो देखो जो आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था, साई स्टार, जब हमारा नीचे वाली वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाए, अगर साई मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज आ जाए, तो हमारी जो वैल्यू होगी क्या आएगी, x sin d tau, ये वाली आती है। तो आप देखो जो आपका साई, जो 1D बॉक्स है आपका, और उसका जो साई का फंक्शन होता है वो कितना होगा, √2L sin(nπx/n), ये वाली होती है। यहाँ पे क्या है आपका n, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आपके ग्राउंड स्टेट पे हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट पे आपके n = 1 आएगा। अगर यहाँ पे n = 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और तो क्या आएगा, सिंपल πx/n, ठीक है। तो ये होती है आपकी 1D बॉक्स की जो साई की, जो साई का जो फंक्शन होता है, ये वाला होता है, क्लियर है इतनी बार। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे साई है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम पुट, देखो मैं पुट करके बताती हूँ, इसको सॉल्व करके बताती हूँ 0 to L, ठीक है, √2π/L sin ऑफ
बाय एल इंटू एक्स इंटू, एक आ गया हमारा साई स्टार। अब साई लेंगे, देखो साई स्टार का मतलब क्या है और साई का सिंपल का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनके लिए बता देती हूँ। देखो स्टार का मतलब, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है यहाँ पे, अगर आयोटा वगैरह आ जाता है यहाँ पे, तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, आयोटा इमेजिनरी वाली कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये आ गया, तो एक्स यहाँ पे आ गया, साई की वैल्यू मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगी तो टू पाई एल आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल। ठीक है, ये वाला क्लियर है आपको, मैं ये कर देती हूँ आपकी रन। ठीक है, ओके, तो इसको क्या किया मैंने, ये वाला जो था मेरा बाहर निकाल लिया मैंने, टू बाई एल जीरो टू एल, ठीक है, साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल इंटू एक्स इंटू, ठीक है, देखो अंडर रूट टू बाई एल और अंडर रूट टू बाई एल ये दोनों बाहर निकलेंगे कॉमन होके। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा आपका टू बाई एल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया आपका अंदर, साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट बच गया आपका। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, जो ये दो था ये दोनों सेम है, तो इनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे, तो जब हम टू बाई एल करेंगे यहाँ पे, जीरो टू एल हमारी वैल्यू थी, ठीक है, हमारी लिमिट थी, जब इनकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स इंटू साइन स्क्वेयर, ठीक है, पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स, ये वाला पार्ट बचेगा हमारा। अब देखो इसकी जो वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है, साइन स्क्वेयर थीटा की, जो मेरी पहली वीडियो है क्वांटम की, ठीक है, उसमें मैंने आपको सारी वैल्यूज लिखवाई हुई है। ठीक है, इंटीग्रेशन भी मैंने करवाया हुआ है अच्छे से, और डिफ्रेंसिएशन भी मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। जो आपके बायो के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो देख सकते हैं जाके, ठीक है, तो उनको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो देख लीजिए, नहीं तो वो वाली वीडियो देख लेना पक्का जाके। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है साइन स्क्वेयर थीटा की 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसको क्या किया मैंने, इस पे पुट किया। आप देखो थीटा मेरा यहाँ पे थीटा है, और इसका थीटा क्या है, पाई एक्स बाय एल। ठीक है, ये इसका थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा हम यहाँ पे क्या लेंगे, पाई एक्स बाय एल। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे, टू बाय एल जीरो टू एल, ठीक है, एक्स इंटू वन माइनस कॉस ऑफ टू पाई एक्स बाय एल, ठीक है, पाई एक्स बाय एल बाय टू इंटू डी एक्स। ये रहा इतनी बात। अब क्या करेंगे, ये अलग है आपका पार्ट है और ये अलग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो आपका वन बाय टू है हम इसको बाहर ही आएंगे, तो क्या होगा टू बाय एल इंटू वन बाय टू जीरो टू एल। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, x 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई x बाई एल इंटू डी एक्स, ये बच गया आपका। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, मैं यहाँ पे देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, हो गया, ये वाला भी कर देते हैं, इसकी भी नीड नहीं है हमें। अभी क्या होगा, जब मैंने इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे 1 बाई एल। ठीक है, 1 बाई एल आने के बाद यहाँ पे 0 टू एल, ठीक है, x 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई x बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वाला मेरा पार्ट बचता है। अब क्या करूंगी, जो x मेरा आ रहा है मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, और जो हमारी इंटीग्रेशन है वो हम अलग अलग कर देंगे। तो 1 बाई एल मेरा बाहर था, ठीक है, 0 टू एल dx, क्या किया मैंने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, माइनस जीरो टू एल, ठीक है, कॉस ऑफ टू पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, ये एक्स इसके साथ है। ठीक है, ये एक्स इसके साथ हो गया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा आपका एक्स। क्लियर है, ये आपकी वैल्यू आ गई। देखो जो ये वाला पार्ट है मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही, क्योंकि जो मेरी वीडियो थी इंटीग्रेशन की, ठीक है, उसमें जाके देख लेना, ये मैंने सारा पार्ट आपको सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, ये सारा पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया है, तो इसमें नहीं करवाऊंगी मैं, तो इसका जो आंसर आएगा आपका जीरो आएगा। ठीक है, मैंने उसमें करवा दिया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, जीरो। ठीक है, तो इसका जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। तो 1 बाय एल जीरो टू एल एक्स डी एक्स, ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन
मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू एन इंटू वन बाई एन, ठीक है यही है। अब देखो इसमें क्या हुआ, जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें क्या है, इसकी पावर एक्स की पावर है वन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, करके बता देती हूँ कैसे, ठीक है। देखो कैसे होगा, वन बाई एन, वन प्लस वन बाई जितना पावर में ऐड हुआ है वैसे ही आपका नीचे भी ऐड होगा, जीरो टू एन हो जाएगा। पावर में कितना हो जाएगा आपका टू, वन प्लस वन टू, यहाँ पे भी कितना हो गया वन प्लस वन टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट क्या है आपकी एल, जो यहाँ पे जहाँ पे आपका एक्स है वहां पे हम एल पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है आपकी जीरो है, फिर एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका करने के बाद आएगा एल स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो, ठीक है। पहले एल पुट किया, फिर माइनस किया, फिर जीरो पुट किया, तो आपका ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो तो निगलेक्ट हो गया, तो जीरो को मैं हटा रही हूँ यहाँ से, तो ऐसे एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या एल बाय टू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, तो हमारी जो वैल्यू थी, हमारी जो फर्स्ट थी उसका एल बाय टू आ रहा था, तो यहाँ पे ही मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। बाकी आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, उसको याद कर लेना, आपको एक दो बार पढ़ोगे, दो से तीन बार पढ़ोगे, आराम से याद हो जाएगा। जो ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है वो पर्टर्बेशन पे हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करना सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ये जो वीडियो है अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो पर्टर्बेशन के लिए मैंने आपके स्पेशली इसको अलग से बनाई है वीडियो, तो ये वाली अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, उस वीडियो में हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।